मस्जिद बंदर के वाड़ी बंदर में झोपड़े में रह रहे लोगों के घरों को बीएमसी ने अपना बुलडोजर चलाकर उनके आशियाने को छीन लिया और उन्हें बेघर कर दिया। वैसे यहाँ पर लोग पिछले 15 सालों से रह रहे हैं, लेकिन अचानक बीएमसी इनके घरों को तोड़कर इन्हें बेसहारा कर दिया। तो आइए सुनते हैं यहाँ के लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा। ऐसा है कि ये जो जगह है ये 2005 में ये लोग कुछ लोग ऐसे है कि 2002 में भी थे और कुछ लोग ऐसे है कि ये जो बिल्डिंग थे 2005 से ये बिल्डिंग गिराया गया था उस टाइम में। तो जब बीएमसी में जब कटिंग में आए थे कुछ लोगों को मिला, यानी कि 45 लोगों को मिला है और उसमें से 55 लोगों को नहीं मिला है। वो डॉक्यूमेंट अभी भी इनके पास है जो बीएमसी ने उनको नहीं दिया है। तो ये जो 55 लोग हैं ये कहाँ पर जाएंगे? इनको तो कोई तो सहारा चाहिए। तो उन लोग ने क्या क्या वहाँ से आकर यहाँ पर बसा है, तो अभी यहाँ पर से भी उनका छत निकल दिया गया है, तो अब ये कहाँ पर जाएगा? ये तो कोई बाहर से नहीं आया, या कोई पाकिस्तान से नहीं आया, या कोई बांग्लादेश से नहीं आया, ये इंडियन नागरिक है, ये हिंदुस्तान का है। जैसे कि और दूसरी बात है सर कि बाकायदा दिल्ली में स्टेटमेंट दिया गया था नितिन गडकरी साहब और अरविंद सावंत के साथ में, दोनों साहब बहस कर रहे थे दिल्ली में। ये दोनों के ये बहस थे बीपीडी की जगह के लेके बहस था इसमें ऐसा था कि मालूम है कि 25,000 झोपड़े के बाद निकला गया था, यानी कि पूरे दारूखाना से लेकर बीपीडी के जगह पे लेकर। तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि जब अरविंद सावंत साहब जब सवाल किए थे नितिन गडकरी साहब को, तब उन्होंने कहा था कि अगर हम इनको हटाएंगे भी तो हम इनका कुछ सहारा देंगे इनको, तभी हम इनको हटाएंगे। अभी तो ये बिना सहारा दे के इनको हटाया गया है, तो कुछ तो सहारा देना चाहिए इनको। जब हादसा हुआ है तो वो कितने उम्र था उसका? जो हादसा हुआ एक लड़की का, उसका 23 साल का हादसा हुआ, 23 साल का था वो। उसको भी हादसा कैसे हुआ, वो 2 दिन से कुछ खाना पीना नहीं खाया था। क्या है मालूम है, जब ये तोड़ा गया था तभी ये तोड़ने के बाद उसको सदमा आया ये झोपड़ा तोड़ने के बाद। और बाकायदा बीपीडी को किधर भी अगर तोड़ा जाए तो उसको 15 दिन तक उसको कम से कम नोटिस देता है कि भाई 15 दिन तक आप खाली कर लो। इन्होंने क्या किया, सवेरे नोटिस मारा और दो घंटे के बाद इसको तोड़ा गया है। तो ऐसा कौन सा कानून में लिखा हुआ है जो सवेरे नोटिस मारे और उसके कुछ 2 घंटे के बाद तोड़ा जाए? ये कोई कानून में लिखा हुआ नहीं है, ये सरासर इनके साथ में नाइंसाफी है। देखिए हम भारतीय नागरिक है, हम लोग भी भारतीय नागरिक है, हम लोग भी कोई बाहर से रहते नहीं। हम लोग को कोई साथ देने के लिए राजी नहीं हो रहा। हम लोग भी बहुत गरीब है, हम लोग पहले पीडब्ल्यूएमएल पे जो रहते थे, पीडब्ल्यूएमएल वाले लोग अलग रहते थे। हम लोग यहाँ से बोले जाए तो अभी कम से कम नहीं बोले जाए तो 13 साल हो गया यहाँ रहते थे। एक पहले यहाँ बड़ी पोर्ट्रेस की बिल्डिंग थी। उस टाइम बोले जाए तो कुछ नहीं, हम लोग को ऐसे लग रहे लेते ना, हम लोग को हमारी जान का जोखम भी छोड़ दिया। बिल्डिंग वो कम से कम नहीं भी बोले जाए तो 40-50 साल की बिल्डिंग, उसकी गारंटी भी ख़त्म हो गई। हमारे जान के जोखम में रह गए, लेके वहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग रहते थे। तो उसमें हम लोग को अपना ये लोग गेट वाले लोग भी साहब लोग भी आके बोल के गए थे, डोंगरी वाले लोग भी आके बोल के गए थे, देखो तुम लोग जो यहाँ रहते हो बिल्डिंग है, बिल्डिंग गिर जाएगी कुछ भी मर फिर जाएंगे तो जिम्मेदारी तुम्हारी है। हम लोगों ने बोला ठीक है सर, हम लोग को तो कोई सहारा नहीं है, हम लोग तो किधर भी रहने के लिए हम लोग को जगह नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम लोग चाहते थे हम लोग चाहे बिल्डिंग भी गिर जाए तो हम मर भी जाएंगे तो कोई गम नहीं। गांव गए थे तो हमारे गांव में भी कुछ नहीं है, ऐसे हम आए, आया तो हमारे झोपड़पट तोड़ दिया, तो कुछ पेपर था वो पेपर अंदर गांव तोड़ा, अंदर चले गया, सब टूट के चले गए, मगर हटाए नहीं, कोई निकालने वाला कोई नहीं था। हमारे कुछ बर्तन बिर्तन सब उसमें चले गए। अभी है जब से घर का गया ना, जब से हम लोग इधर ही है, कोई नहीं मिलने आया। ऐसे नगर सेवक के पास गए थे, नगर सेवक ने क्या बोला? नगर सेवक ने भी गए थे, बोले थे उसने में जो उन लोगों, हम लोग कल भी गए थे 2-3 नगर सेवक के पास गए थे, उन लोगों ने भी क्या बोला, देखो बीएमसी है, बीएमसी किसी को कुछ नहीं दे सकता है, बीपीडी नहीं दे सकता। बीपीडी वाले और बीएमसी वाले, बीपीडी वाले लोग भी बोला जो भी हुआ झोपड़पट्टी में रहने वाले को कुछ नहीं अभी मिल सकता है, कोई हमारा कोई फरियाद कर रहा है नहीं। क्या मांग रखते हैं आप सरकार से? हमारी सरकार से हमारी ये मांग है, हमको बिल्डिंग में नहीं तो कम से कम को चाल भी नहीं तो हमको जगह के बदले कोई जगह भी हमको दे देगा तो अपने को बहुत बहुत सुखी रहेगा। हम